गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। और हमारे घर में बन रही है आज घिया की लोज। भाई एक ऐसी मिठाई बन रही है यहाँ जो सिर्फ भाभी बना सकती है, और तुम लोग बना सकते हो तो बताना, बहुत मेहनत का काम है। ये देखो घिया की लोज बना रही है। तो लोज को बनने में तो काफी ना घंटे लग जाते हैं। उससे पहले मैं करूँगी अपनी सासू माँ की मालिश पैरों की। मम्मी आ गई छत पे मिनी स्कर्ट में, और मैं अब मम्मी की पैरों की मालिश करूंगी। मिनी स्कर्ट तो जो मेरे हस्बैंड है यानी कि इनके बेटे, उनकी भी यूनिफॉर्म में नहीं रहते वो, जो मैं वीडियो में दिखाऊं। तो अभी तो यूनिफॉर्म में बैठे हैं मैं कपड़ों में। हाँ हेलो, आज तो कपड़ों में बैठे हो तुम। क्या कहना चाहोगे, आज कपड़े पहन के कैसा फील हो रहा है आपको? कहना चाहूंगा जो भी दर्शक इसे देखते हैं, ये बिल्कुल इज्जत नहीं करती अपने पति की, बिल्कुल भी। इसकी वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक करो, बिल्कुल। मैंने चाय मांगी, कह रही मैं यहाँ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। इसके रिश्ते चेंज हो जाते हैं बार बार, रिश्ते चेंज हो रहे हैं मिनट में। मैं बच्चे पकड़ रहा हूँ, मुझे कभी दिखाती नहीं डर के मारे, क्योंकि मैं बच्चे हमेशा पकड़ रहा हूँ। बच्चे मेरे पास था, ठीक है। झूठ बोलना कोई इनसे सीखे, बिल्कुल एक नंबर के झूठे इंसान है। तभी मैं अपनी वीडियो में लेके नहीं आती, इन्हें झूठ बोलते रहते हैं और कह रहे हैं इज्जत नहीं करती। बताओ, खाना पानी देना सब चीज टाइम पे करती हूँ, बस ससुराल में आके नाट जाती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ है मेरी सासू माँ का राज, और इनके राज में मैं ऐश करती हूँ। ठकुरायन बन के आई थी मैं, तो ठकुरायन ही बताओ ठकुरायन हूँ मैं। ज्यादा गर्म है कि फिर यह तेल, तो ये तेल ना नीचे रख दिया। मैं मम्मी को एक्सरसाइज करा रही हूँ घुटनों की, क्योंकि मम्मी के ना ज़्यादा ओवर दर्द रहने लगा है। तो मैं देख लेती हूँ यूट्यूब पर ही कि कैसे ठीक होने की एक्सरसाइज है, तो वही मैं करा रही हूँ, जिससे मम्मी को ना रिलैक्स भी मिला। घुटनों की समस्या जिसको भी हो जाए ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो आदमी, क्योंकि मेरे भी घुटने में चोट लग गई थी तो मुझे भी बहुत दिक्कत होने लगी, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा पेन होता है। मैंने मालिश कर ली मम्मी की पूरी अब, और बच्चे ना बच्चे क्या, सबसे पहले मैं भाभी को दिखाऊं जो हम घिया की लोज बना रहे हैं। ये देखो उल्टा बैठ के बना रही है, सीधा बैठ के बनाओ ना तब तो सही भी दिखेगा। तो ये हलवा सा बन गया, इसे बनाएंगी अब घिया की लोज। क्या कह रही हो तुम, मैं राघव को देखूं? तो अब 2 बजने वाले दोपहर को, और ना गाइस हम आपको एक चीज दिखाता है। गाइस ये देखो कुत्ते की हड्डी दिखा रहा है। तो खाना बन रहा है और गोवर्धन पूजेगा 2:30 बजे। बड़े अम्मी कैसे हो? आज सब गिर रहे हैं सुबह ना, ये प्राची भी गिर गई, और ये बना रही है आलू की पिट्ठी से कचौड़ी। बहुत पकवान बना दिए होंगे, सेम रिपीट कर दिया कल का मेन्यू, कुछ चेंज करा लेते हैं। आज सेम रिपीट है कल का मेन्यू। हमारे घर में है ना आलू टमाटर ही पसंद, आलू 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 में डूब जाते हैं, कोई भी त्योहार होगा तो। कुए माल पुए दो, साईं बाबा को दे दिया तुमने, लाओ एक खिलाना जरा। ये सब्जी ले लो, हार्ट शेप में इन्होंने माल पुआ बना रखा है, ऐसे खा के दे दो। भूख में तो सब चीज बढ़िया लगती है, अभी बना नहीं है। चारों तरफ फैला रहा, और यहाँ मुझे कुछ करना तो है नहीं, मैं सिर्फ बात बनाती रहती हूँ। कुछ नहीं करना मुझे, खाना ही है, तभी तो बात बनाती रहती हूँ मैं इनके साथ। मेरे पति ने तो अभी खाना खाया नहीं, मैं बैठ गई पहले खाना खाने। जेठ जी बाद में, सब बाद में, पहले दुरानी। तो कुछ भी नहीं है, इनके आलू की कचौड़ी बना रखी है। सबसे बेस्ट चीज ना मुझे मट्ठा लगती है, कुछ होना हो रियसली रियल मट्ठा मिल जाता है तो खाना इससे सही लगता है। और कल बनेगी कड़ी, कल भाई दूज है, मेरा भाई आएगा। आज साग बनेगा शाम को, शाम तक के लिए सभी बता दिया करो। तो और मैं बना रही हूँ घिया की लोज। तूने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है प्रिया दीदी। घिया की कैसी बनी सब्जी? अच्छी बनी है, तो आलू की सब्जी इसने बनाई है। जो हमारे घर में 2 छोटी छोटी लड़कियाँ हैं प्राची और प्रिया, ये कभी कुछ बनाती है ना फिर हमें टेस्ट करने के लिए बोलती हैं। अति उत्तम, सही बनी है? सही नहीं बनी, बहुत बढ़िया बनी है। मैं तो सीधा घेर में आ गई हूँ। अब यहाँ पर हमारा पूजता है, गोवर्धन पूजा की जाती है,
और ना हम मेरी जो बीच वाली जेठानी है वो मनाती है गोवर्धन, तो ये हमारा घेर है और ये मैं हूँ और ये हमारी पूजा हो रही है। तो ये गोवर्धन बनाया, चलो इस बार माया मम्मी ने थोड़ा सा छोटा सा बनाया, मतलब इतना सुंदर गोवर्धन बनाया था ना मैं बता नहीं सकती। हमारे जो कथा हुई थी हमारे गली में ना भागवत हुई थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर ही गोवर्धन बनाया था और उसमें कलर्स फिल करे थे बहुत ही प्यारा सुंदर। ये तुमने पता नहीं, ये तुम ऐसे ही रख देते हो बस, मतलब बनाया सही बनाया तुमने भी माया, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपनी जैसी नाक बना देती हो गोवर्धन। देखो ये गोवर्धन बनाया इन्होंने, तो मेरी बीच वाली जेठानी जैसी उनकी नाक है ना वैसे ही ऐसा लगेगा ऐसी बना देगी, यूं रख देंगी। ये तो करो। तो ये यसु भाई हैं, यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है जिस पर कितनी धूल मिट्टी चढ़ चुकी है, ये हम सफाई नहीं करते, ये हमारी बस यही है। एक गंदी कार है, बाकी सब हफ्ते में दो बार धुल जाती है। और मैं अपनी बच्चियां भी दिखाती हूँ, सब चीज दिखाता रहेगा ये। तो ये छोटी, इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं है कुछ भी। और ये हमारी गौ माता खड़ी है, उधर नहीं इसने कुछ है। अब सही थोड़ा और बना दिया है ये प्रिया दीदी ने। ये भोगो भी उड़ गया। गौमूत्र ले लो, पीछे हो रहा है, पियेंगे और क्या करेंगे इसको। देखो कितना ताजा निकल रहा है, बिल्कुल एकदम ही निकलता ही जा रहा है, मुझे लग रहा है आधा एक लीटर निकाल दिया है। ले लो माया एक बोतल, में पता है तुम्हें कितना सही है सुबह पीना गौमूत्र। तो बाबा रामदेव ना गौमूत्र जो है शीशियों में भर के बेचते हैं, मैंने देखा है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। साइड में बैठी है जिन्होंने गोवर्धन बनाया, वो कोने में दिख जाएंगी अभी। ये डोरी वो छुपी हुई है, हाय कर रही है, जल्दी आ जाओ आगे। तो बस अभी हम पूजा शुरू करेंगे थोड़ी देर में, 5-7 मिनट। तो हमने गोवर्धन की पूजा कर ली है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।